आगा कर लेते हैं यहां पर। हरदा ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। सस्पेंड निरीक्षक नवीन कुमार बरवा के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। नवीन कुमार बरवा के खिलाफ विभागीय जांच अब शुरू हुई है। जांच कमेटी ने विभाग को चार्जशीट सौंपी है। फैक्ट्री में धमाके के बाद कारखाना निरीक्षक को निलंबित भी किया गया था। भोपाल के औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रभारी एपी सिंह को भी निलंबित किया गया। उदासीनता और लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, हरदा ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन लिया गया है, ज्यादा जानकारी। निश्चित तौर पर देखिए, हरदा में जो फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, और इस पूरे हादसे में शासन प्रशासन ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि जो भी दोषी हैं, जिनकी लापरवाही से हादसा हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और जो विस्तृत रिपोर्ट इस पूरे हरदा हादसे को लेकर बनाई गई और वो रिपोर्ट जब विभागीय मंत्री के पास, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर भी असंतोष जाहिर किया और जो कमियां थी रिपोर्ट में उसका उन्होंने जिक्र किया, और उसके बाद ही पूरी जो कार्रवाई है वो सामने आई है, जिसमें अधिकारियों पर गाज गिरी है। साफ तौर पर इससे बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में इस तरीके के हादसे ना हो और जो अधिकारी हैं वो किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरते, इसलिए इस तरीके का जो एक्शन है वो जरूरी भी हो जाता है। ये एक्शन जो है वो इसी दृष्टिकोण से लिया गया है ताकि एक मैसेज भी जाए कि अगर कोई लापरवाही होती है तो फिर सरकार एक्शन लेने से भी नहीं चूकेगी। तो बहरहाल देखना होगा कि आगे और रिपोर्ट में क्या कुछ तब्दीलियां की जाती है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें जिम्मेदार माना जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए।